हेलो एवरीवन दिस दिस प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए उठा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए उन स्टेप्स के हमने नो पॉइंट कर लिए थे यानी नो योजनाएं स्कीम प्रोग्राम हमने डिस्कस किए आज जो हमने डिस्कस करने वो हमारे नेक्स्ट थ्री पार्ट और लास्ट पार्ट है टेंथ पॉइंट हमारा और इलेवेंथ है और ट्वेल्थ हमने ये तीनों पॉइंट कवर करते ही हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे सारे मेजर्स कवर हो जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ने उठाए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए तो टेंथ पॉइंट में आता है ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम यह था ट्वेंटी पॉइंट्स प्रोग्राम यानी कि इसके नाम से ही सजेस्ट करा इसके अंदर ट्वेंटी पॉइंट्स ऐसे लिए गए थे जिनके ऊपर ऊपर मेन फोकस था कहता न्यू ट्वेंटी पॉइंट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन फोर्टीन जनवरी नाइनटीन एटी टू विद्यू टू इडिक पॉवर्टी कहता पॉवर्टी को खत्म करने के लिए फोर्टीन जनवरी 1982 के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसके अंदर 20 इकोनॉमिक प्रोग्राम थे जो कि क्या क्या था इसके अंदर यानी 20 पॉइंट्स थे अगर आप जो जो पॉइंट्स आप लर्न करोगे ये 20 पॉइंट्स है ये सारे 20 पॉइंट्स इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किए गए थे ताकि पॉवर्टी ख़त्म की जा सके पहला पॉइंट था इंक्रीज इन इरीगेशन कैपेसिटी जो इरीगेशन कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ किया गया था यानी कि जो भी मतलब जो भी इरीगेशन फैसिलिटी अब तक प्रोवाइड की जा रही है उसको इंप्रोवेंट करने के लिए उसकी कैपेसिटी को एनहांस करने की की गई थी सेकेंड पॉइंट में कहता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्स एंड ऑयल सीड्स जितने भी जो भी पल्स का प्रोडक्शन था ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हो रहा था उसको इंक्रीज किया गया थर्ड पॉइंट किया गया एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता फिर क्या किया गया जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना ई उसको एक्सटेंड किया गया और जो एनआरई है उसको भी एक्सटेंड किया गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को यानी इन दोनों प्रोग्राम के थ्रू क्या किया गया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया और साथ साथ क्या क्या किया गया कि रूरल एरिया के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी फोकस किया गया फोर्थ पॉइंट आया फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स लैंड होल्डिंग्स का जो साइज था मैक्सिमम लिमिट थी वो फिक्स कर दी गई फिफ्थ पॉइंट में किया गया मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चरल वर्कर जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनको मिनिमम वेज एटलीस्ट इतना मिले ही मिले मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चर वर्कर्स फिफ्थ पॉइंट में क्या था हमारा कि एटलीस्ट इतना तो वेजेस एग्रीकल्चर वर्कर्स को मिले ही मिले फिर सिक्स पॉइंट में क्या था रिहेबिलेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर फिर क्या किया गया जो बॉन्डेड लेबर थे जो इधर उधर घूमती रहती थी उनको प्रोवाइड किया कराया गया मतलब उनको रहने के लिए आवास प्रोवाइड किया गया सेवंथ पॉइंट में आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोग्राम इनको एक्सपेंड किया गया एट पॉइंट में ड्रिंकिंग वाटर इन विलेजेस विलेजेस के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया नाइन्थ पॉइंट में प्रोविजन ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया रूरल एरिया के अंदर हाउसेज को बनाया गया यानी कंस्ट्रक्ट किया गया और उनको प्रोवाइड किया कर कराए गए जो कि पूर्व लोग थे टेंथ पॉइंट में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरिया स्लम एरियाज़ को इम्प्रूव किया गया ना एलेवंथ पॉइंट में डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी पावर कैपेसिटी को डेवलप किया गया ट्वेल्थ पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड गोबर गैस जो गोबर गैस प्लांट है या जो फॉरेस्ट है उनके डेवलपमेंट की गई थर्टीथ uh, पॉइंट में फैमिली की प्लानिंग की गई फोटी पॉइंट में सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स फोर्टीन पॉइंट में जो हमारा है सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी सेंटर हेल्थ सेंटर जहाँ पे हमने हेल्थ सेंटर प्राइमरी के लेवल uh, uh, पे सेटअप किए गए फिर हमारा फिफ्टी पॉइंट में वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वोमन एंड चिल्ड्रन फिर वेलफेयर प्रोग्राम बनाए गए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए तो नेक्स्ट जो हमारा आया यानी कि सिक्सटीन पॉइंट उसमें प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया चिल्ड्रन के लिए सिक्स से फोर्टीन ईयर्स के बीच में जिसकी एज है जो उनके ऊपर फोकस दैन उसके बाद हमारा सेवनटीन्थ पॉइंट में फोकस किया गया एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप्स की एक्सपेंड किया गया पीडीएस सिस्टम जो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है और फेयर प्राइस पे मिले ठीक है नेक्स्ट जो हमारा आया वो हमारा है एटीनथ वो है सिंपल इंडस्ट्री पॉलिसीज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है उनको सिंपल किया गया ज़्यादा थोड़ा लिबरल किया गया नाइन्टीन पॉइंट में चेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी ब्लैक मनी को कितनी जनरेट हो रही है उसको चेक किया गया और ट्वेंटी पॉइंट में किया गया एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनका जो मैनेजमेंट था वो एफिशिएंट तरीके से किया गया तो ये ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम्स है जिसके अंदर इन ट्वेंटी पॉइंट्स के ऊपर बात को देखा गया और ट्वेंटी पॉइंट्स कंसिडर किए गए फिर इलेवेंथ आता है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा आता है। फिर हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म है इसकी मनरेगा एम जी एन आर ई -E जी ए -E कहते हैं अंडर दिस एक्ट ऑल हु आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द मिनिमम वेज रेट आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम पीरियड ऑफ हंड्रेड डेज इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया जितने भी लोग काम करना चाहते हैं जो कि अनस्किल्ड है लेकिन वो मतलब अनस्किल्ड है तो क्या होगा लेबर वर्क करना चाहते हैं तो उनको मिनिमम वेज रेट मिलेगा ही मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट उनको हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा कहता है दो सिकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू रिपोर्ट इन दो रूरल एरियाज वेयर द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज बिंग लॉन्च दिस प्रोग्राम इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द रूरल एरिया के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ कहते अकॉर्डिंगली टू वन एस्टमेट द टोटल नंबर ऑफ हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम हैज राइजन फ्रॉम सिक्स पॉइंट टू टू करोड़ इन टू थाउजेंडेंड फोर्टीन फिफ्टी से सेवन पॉइंट सेवन सेवन करोड़ इन टू थाउंड एटी नाइनटीन मेन बात यह कहना चाहता है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसके अंदर गारंटी दी गई थी कि हंड्रेड डेज़ का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा और मिनिमम वेज रेट के ऊपर मिलेगा किन मिलेगा अनस्किल्ड वर्कर्स को मिलेगा जिनके पास कोई ज़्यादा स्किल नहीं है कहता है, जो देखा गया इस प्रोग्राम का बेनिफिट जो हुआ टू थाउजेंड में सिक्स पॉइंट को हुआ था उसके बाद एकदम से इंक्रीज होकर एटीन नाइनटीन के अंदर सेवन पॉइंट सेवन सेवन करोर हो गया था तो बहुत सारे लोगों को इस आ, स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इसको इससे बेनिफिट हुआ एंड ट्वेल्थ एंड लास्ट पॉइंट आता हमारा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट री एजेंसी बैंक मुद्रा बैंक जिसको कहा गया कहता है द गवर्नमेंट ने सेटअप किया मुद्रा बैंक अप्रैल टू में जो मुद्रा बैंक इस्टेब्लिश किया गया सेटअप किया गया इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्रेडिट नीड्स जो माइक्रो एंटरप्राइजे हैं उनकी क्रेडिट नीड्स कंप्लीट करें जो एम्प्लॉयमेंट पर्सनस हैं यानी खुद से कोई भी अपना एंटरप्राइजेज सेटअप कर रहे हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं तो उनको पैसा प्रोवाइड कराया जाए अंडर मुद्रा योजना अ माइक्रो एंट्राइजेज इज एंटाइटल्ड फॉर अ लोन अप टू टेन लाख पर यूनिट हर यूनिट पे दस लाख तक रुपए का लोन ले सकती है ले सकते हैं मतलब जो इंसान खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट सेटअप करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज सार्टअप करते हैं उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होते हैं तो वो दस लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं इस मुद्रा बैंक से ये सेटअप किया गया सेटअप किया गया था ताकि जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनको ऊपर उभारा जा सके माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट री एजेंसी बैंक ट्वेल्थ पॉइंट था हमारा ये तो इसके थ्रू हमने सारे पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए बारह पॉइंट्स हमने कर लिए हैं और ये बारह के बारह प्रोग्राम स्कीम ये सारी इंपॉर्टेंट है हमारे जितने भी यूज हैं हमने स्टडी की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अगर आपने सारी वीडियो अब तक देखी है तो आप सबको ये क्लियर होगी होंगी और आज की यहाँ पर टॉपिक खत्म होते ही आपको सारे टिप्स पर भी हो गए होंगे जैसे आपको टॉप्स पे होंगे आपको फायदा हो जाने वाला अगर आपने बस वीडियो सुन सुन भी ली होगी ना तब भी आपके माइंड में चलेगी होंगी ये सारी योजनाएं लोन ठीक है जहाँ पे भी कभी भी आएगा क्वेश्चन तो आप उसको इजली अटैम्प्ट कर सकते हैं तो ठीक है आज के लिए इतना ही हॉप यू लाइक इट थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस बाय बाय टेक केयर कीप वॉचिंग